19 अप्रैल को लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व जिस पर देश को गर्व है उसकी शुरुआत हो रही है, यानी पहले फेज के लिए 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। जहां एक ओर दिल्ली फतेह करने के लिए सियासी दलों के नेताओं ने चक्रव्यूह भेदना शुरू कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर जनता ने भी पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका वोटर कार्ड या तो खो जाता है या तो मिलता नहीं है, तो उसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। आप उसे घर पर बैठे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपना मोबाइल ओपन करना होगा और एक प्रोसेस को फॉलो करना होगा। वोटर कार्ड डाउनलोड करने का तरीका, चुनाव आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाएं, डाउनलोड ईपीआईसी लिंक पर क्लिक करें, अपना ईपीआईसी नंबर यानी कि वोटर आईडी नंबर या फिर फॉर्म नंबर दर्ज करें, रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करें, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा, ओटीपी दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें, आपका ईपीआईसी यानी डिजिटल वोटर कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ध्यान रहे कि वोटर कार्ड डाउनलोड करने के लिए वोटर कार्ड के साथ मोबाइल नंबर पहले से ही रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो वोटर कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाएगा। मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के लिए फॉर्म 8 के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने आम जनता की सहूलियत के लिए कुछ ऐसे ऐप्स या फिर पोर्टल्स पेश किए हैं जो आमजन के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। इन ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर या फिर अन्य ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप, इस ऐप की मदद से वोटर रजिस्ट्रेशन में सुधार किया जा सकता है और यूजर वोटर स्लिप का डिजिटल फोटो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये चुनाव से संबंधित सभी अपडेट देता है। अब बात करते हैं सक्षम ऐप की। ये ऐप दिव्यांगजनों के लिए मतदान के लिए रजिस्ट्रेशन करना, अपना मतदान केंद्र ढूंढना और अपना वोट डालना आसान बनाती है। ये वॉइस असिस्टेंट फीचर को भी सपोर्ट करती है और इससे कोई शिकायत भी की जा सकती है। अब बात करते हैं केवाईसी ऐप की। केवाईसी नागरिकों को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को खोजने की अनुमति देती है। साथ ही ये उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करती है। अब बात करते हैं सी विजिल ऐप की। ये नागरिकों को चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अनुमति देती है। इसके जरिए फर्जी खबर, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, वोटर्स को पैसे बांटना, शराब का वितरण करना, हथियारों का अवैध प्रदर्शन, धमकी देना, हेट स्पीच से संबंधित कई ऐसे मामले हैं जिनकी शिकायत इस ऐप के जरिए की जा सकती है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई मदद चाहिए हो तो आप चुनाव आयोग की हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल भी कर सकते हैं। स्टोरी को आपके लिए तैयार किया था हमारे साथी मंचकार शुभकांत ने। स्टोरी पर आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।